ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ନେପାଳର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଣାଯାଇଛି। ଶିଳା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶିଳାକୁ ପୂଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। विशाल शालिग्राम की जिसका वजन लगभग 127 क्विंटल है आ रही हैं और पूरे उत्साह के साथ संत भक्त और सभी लोग मिलकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। अयोध्या रे निर्माण हेउतबा राम मंदिर रे पूजा पाइबे पुरुषोत्तम श्री राम को बाल स्वरूप। ए मूर्ति निर्माण पाई जेउ दुर्लभ शिला आसीछि तहार ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व रहिछि। विरल शालग्राम शिला रे निर्माण हेबो श्रीराम और माँ सीतांक भव्य मूर्ति। नेपाल रु अयोध्या कड़ा सुरक्षा मध्य बेस धूमधाम रे एक विशाल शोभायात्रा अणा जाइछि एही दुर्लभ शिला को। तबे ही शिला को नहीं एबे चारियाडे चर्चा। अरे दर्शन पूजन हम लोग बहुत खुशी हैं, इतना ज़्यादा रोमांचित हो रहा है, रोम रोम सब इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि बरसों की तपस्या आज रंग लाई है और वास्तव में जो कहा जा रहा नहीं, भगवा रंग चढ़ने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है। तो जाने कितने लोग सपने लेके चले गए, जाने कितने लोग बलिदान हो गए, तो ये अगर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे इसके दर्शन लाभ मिल रहे हैं, आने को मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्यशाली हम अपने को समझते हैं। ये जो मूर्ति भगवान शालिग्राम की आई है माता सीता के मायके से, इतनी इतनी इतने हम खुश और रोमांचित हो रहे हैं कि ये सौभाग्य बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ। और जिस समय भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि कितनी खुशी होगी हमको कि हम दर्शन करने आएंगे और जरूर आएंगे। मतलब ये भव्य मंदिर देखेंगे आके कि ये सालों सालों से इंतजार आज भगवान की कृपा से पूरा होने जा रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये दुईटी विरल शालग्राम शिला को नेपाल रु अणा जाइछि। यह नेपाल रु बिहार पटदेई अयोध्या रे पहुंचिछि। जेउ पटदेई यात्रा हेउछि सेछारे लोक अटकाई यहा को पूजा अर्चना करथुबार दृश्य एबे सबुठि। पवित्र शालग्राम को निकट रे पाई निज को धन्य मने करुछन्ति एवं मंत्र पाठ श्रीराम धुनि रे प्रकंपित होइछि पूरा परिवेश। तेबे नेपाल रो पुण्यतया नदी गंडुकी तटरु मिलिथिबा ए शालग्राम शिला 100 कि 200 वर्षर नुहे बरं 6.5 कोटी वर्ष पुरुणा। भूतत्वविद माने एहार कार्बन डेटिंग करी एहा निरूपण करि पारिछन्ति। हिमालय के आगे की वाला हिमा ये नदी है कालीगंडकी, वो कालीगंडकी का हिमालय जब उठ गए उस दौरान समुद्र के पींद में से 33 सागर बोलते थे, वो 33 सागर के पींद में से ऊपर चला गया। उस समय के 6.5 करोड़ जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्बन डेटिंग करके वो लोग अनुमान कर रहे हैं कि इसका आयु 6.5 करोड़ वर्ष पहले का है। इसको अब हम तो खैर शुरू से यात्रा के शुरू से अंत तक थे, हम आपसे बताएं कि लोग इस शिला को देखने के लिए इतने व्याकुल थे इसको स्पर्श मात्र के लिए कि लोग ट्रक चलते हुए ट्रक के आगे आ जा रहे थे कि रोक के सिर्फ इसको दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें, स्पर्श कर लें, अपने नेत्रों में इसको कैद कर लें। इस शिला आसवा परे पुणि थरे जोड़ी हुई छि अयोध्या और नेपाल मध्ये आध्यात्मिक संपर्क सेतु। 2024 मकर संक्रांति पूर्व मूर्ति निर्माण शेष करने को लक्ष्य रखा जा। श्री रामंक मंदिरर निर्माण परे गर्भगृह रे पूजा पाइबे विग्रह दय। रिपोर्ट अर्गस न्यूज।